Good morning students, welcome back to my video. In this session, we are going to discuss how to create query table based on related tables, based on multiple tables. आज हम बात करेंगे किस तरीके से हम multiple table पे based कोई query table create कर सकते हैं, किस तरीके से उसको हम क्रिएट करेंगे, आज हम इस वीडियो में उसको सीखेंगे। सबसे पहले हमको करना क्या है, क्वेरी डिजाइन कमांड को क्रिएट टैब से ओपन कर लेना है। ये क्रिएट टैब ओपन है और ये क्वेरी डिजाइन का ऑप्शन है, इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे सामने ये डायलॉग बॉक्स आएगा। इस डायलॉग बॉक्स में सारे टेबल्स का यहाँ नेम दिया गया है। अब हम सेलेक्ट करके और एक एक को ऐड करेंगे। जितने भी टेबल हमको अपने क्वेरी टेबल में जितने भी टेबल्स का डेटा चाहिए उतने यहाँ से हम क्लिक करके ऐड करके रख लेंगे। जैसे यहाँ भी दो हाइलाइटेड है, यानी इन दोनों को हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद क्लोज कर देंगे इसको हम। तो यहाँ हमने जो दो टेबल सेलेक्ट किए थे, कस्टमर्स और ऑर्डर टेबल, तो यहाँ कस्टमर्स और ऑर्डर टेबल आ गए हैं क्योंकि हमने दो ही ऐड किया था, तो यहाँ दोनों टेबल हमको दिख रहे हैं। इनको हम फिर एक यहाँ से हम ये लिंक दिख रहा है। अब हम ज्वाइन प्रॉपर्टीज पे इस टेबल के चीजों को देखेंगे, कैसे यहां से हम देखेंगे किस टेबल में क्या रहेगा और दूसरे टेबल में क्या रखा गया है। उसके बाद हम ओके पे क्लिक कर देंगे। फिर यहां से हम फील्ड को सेलेक्ट करेंगे, दोनों टेबल्स पे हम फील्ड को सेलेक्ट करेंगे। इस टेबल से जो फील्ड चाहिए वो दिखा सकते हैं, दूसरे टेबल से जो फील्ड चाहिए वो फील्ड हम सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद अगर हमको क्राइटेरिया यानी हमको कोई कंडीशन चाहिए तो वो कंडीशन हम यहाँ सेट कर देख सकते हैं। सेट करने के बाद डिजाइन टैब पे जाके हम रन पे इस रन बटन पे क्लिक कर देंगे तो हमारा क्वेरी जो है वो रन होने लगेगा। ओके, कैसे करना है एक बार फिर हम देखते हैं। आज हम इस वीडियो में सीख रहे हैं कैसे हम क्वेरी डिजाइन कमांड का यूज करके एक क्वेरी टेबल बना सकते हैं जो कि बहुत सारे लिंक टेबल पे बेस्ड होगा। हम दो तरीके से इसको बना सकते हैं, एक क्वेरी विजार्ड ऑप्शन यूज करके और दूसरा क्वेरी डिजाइन ऑप्शन। तो हम अभी बात करेंगे किसका, क्वेरी डिजाइन कमांड का। अगले वीडियो में हम क्वेरी कमांड विजार्ड कमांड की बात करेंगे। तो इसको हम सबसे पहले क्या करना है, हमको एक डेटाबेस ओपन कर लेना है। डेटाबेस ओपन कर लिया हमने, फिर क्रिएट टैब के अंदर इस क्वेरी डिजाइन कमांड पर हमको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमको शो टेबल का डायलॉग बॉक्स मिल जाएगा। यहाँ से हम जितने भी टेबल्स का क्वेरी टेबल बनाना है उनको सेलेक्ट करके और इस ऐड पे हम क्लिक करते जाएंगे। हम चाहे तो उसको कंट्रोल के साथ होल्ड करके कई सारे एक साथ कर सकते हैं या एक एक करके भी आप कर सकते हो। करने के बाद हम इसको क्लोज कर देंगे। यहाँ देखो लिंक है, इस तरीके से हमारा टेबल लिंक है। अब ज्वाइन प्रॉपर्टीज को हम एक बार देख लेंगे कि सही है कि नहीं, जो लेफ्ट में है वो लेफ्ट में है कि नहीं, जो राइट में टेबल में है वो है कि नहीं, फिर हम ओके पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ से हम फील्ड सेलेक्ट करेंगे, जैसे टेबल वन में मान लो कस्टमर के टेबल फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, स्ट्रीट, फोन नंबर, ये सब है, और दूसरे टेबल में भी बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो हम जितने भी फील्ड्स हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर लेंगे। फील्ड ऐड करने के बाद अगर हमको कोई क्राइटेरिया यानी कोई कंडीशन
यूज करना है तो भी हम कर सकते हैं। जैसे कोई नंबर हो गया 90 प्लस हो या 70 प्लस, इस तरीके का कोई कंडीशन देना होगा तो यहाँ आप कंडीशन दे सकते हो, नहीं देना है तो उसको छोड़ दो। फिर हम क्या करेंगे, डिजाइन टैब पर रन बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारा क्वेरी यहाँ इस तरीके से रन हो जाएगा। ओके, तो समझ गए होंगे। थैंक यू।